कौशल क्षेत्र के कुख्यात अपराधी विजय यादव और समीर खान की पुलिस मुठभेड़ में मौत। पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात तक चली गोलियां। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी, टीआई प्रभात शुक्ला सहित पुलिस प्रधान आरक्षक हुए घायल। नरसिंहपुर के सुआतला थाने के कुमरोड़ा गांव के पास NH-12 की घटना। जबलपुर के दो नामी अपराधियों को नरसिंहपुर पुलिस ने मार गिराया। दोनों पर हत्या, लूटपाट, अवैध वसूली सहित दर्जनों मामले दर्ज थे। अपराधियों के नाम जबलपुर के विजय पिता बच्चू यादव 30 वर्ष, समीर खान मुठभेड़ में ढेर हुए। जबलपुर के कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी की हत्या के आरोपी थे। मारे गए बदमाश विजय यादव पर 30,000 और समीर खान पर 15,000 रुपये का इनाम था। सर, मौके में मुठभेड़ हुई है, फायरिंग आपके द्वारा की गई, क्या कहेंगे सर, कैसा हुआ? कल मुखबिरी से सूचना मिली थी कि जब के कुख्यात अपराधी कोई वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को बताकर और निर्देश प्राप्त करके रवाना हुए और रात में करीब 3-4 बजे के बीच में ये कुमरौड़ा के वहाँ जिस गाड़ी बताई गई थी उससे जा रहे थे। ओवरटेक करके जब इनको रोकने की कोशिश की तो इन्हें उतरते ही फायर पुलिस के ऊपर शुरू कर दिया। पुलिस भी तैयार थी, हम लोगों ने भी फायर किया और फाइनली दोनों आदमी घायल हुए। घायलों को तत्काल हमने तब भी बचाना चाहा कि इनको ले जाके हॉस्पिटल ले जाएं, पर जब हॉस्पिटल लेके आए तो दोनों मृत घोषित कर दिए गए। कितने राउंड सर चले? इसमें लगभग 15-17 राउंड गोलियाँ चली और उनके द्वारा भी 10-12 राउंड गोली चलाई गई। कहाँ के अपराधी थे? ये जबलपुर के अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, ना केवल जबलपुर तो महाकौशल के अपराधी हैं। ये 30,000 रुपये का इसके ऊपर ऑलरेडी इनाम है। मर्डर के केस में वांटेड है, 2 साल से फरार थे। और जो विजय यादव है इसके ऊपर 30,000 का और जो दूसरा अपराधी था समीर खान उसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम था। यहाँ पर दो बदमाशों द्वारा जब पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। इसकी जवाबी फायरिंग पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में की। इसमें दोनों बदमाशों को चोटें आई और इन्हें अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, जहां इन्हें मृत घोषित किया गया। सर, ये कहां के बदमाश थे और यहां क्यों आए थे? ये दो बदमाश जो हैं, एक विजय यादव है जो जिसके ऊपर 30,000 का इनाम है जबलपुर में। इनके ऊपर करीब 20 मामले थे धारा 302 के, 307 के, बाकी धाराओं के। दूसरा समीर खान, इसके ऊपर भी 15,000 का इनाम है और इसके ऊपर भी ऐसी गंभीर धाराओं के अपराध थे। और ये जो हैं दोनों करीब 2.5 साल से एक घटना के बाद जबलपुर में मर्डर के बाद 2017 के बाद से फरार चल रहे थे। अभी हमें सूचना मिली थी कि ये कोई घटनाक्रम जबलपुर में करने जा रहे हैं, इसकी तरफ ये कार्रवाई करने जा रहे हैं और इनको बीच में इंटरसेप्ट किया। जैसे नर्सिंगपुर से होते हुए जा रहे थे जी।